हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं साबूदाना से बनने वाली रेसिपी गुड़ी पड़वा स्पेशल और व्रत के लिए। अभी क्योंकि नवरात्रि शुरू हो गई हैं तो आज हम व्रत थे, इसलिए उसी के लिए आज हम बना रहे हैं। पूजा करेंगे उसी से और उसी को हम बाद में व्रत के लिए फरार करेंगे। जिसके बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप साबूदाना। साबूदाना को एक हम बड़े बर्तन में डाल लेंगे और इसे 2-3 बार तक पानी से धो देंगे, जब तक इसमें साफ पानी ना निकलने लगे। 1-2 बार पानी इसका चेंज करेंगे। उसके बाद इसे हम भिगो करके रख देंगे। इतना पानी डालेंगे कि हम ऊपर तक साबूदाना में पानी आ जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। 1/2 कप हमने पानी डाला है और 1/2 कप पानी बच गया है। इसे 6-7 घंटा के लिए भिगो करके रख देंगे, तब तक हमारे साबूदाना अच्छे से जब तक फूल ना जाए। अब देखो, हम दिखा भी रहे हैं आपको, साबूदाना अच्छे से मैश होने लगा है। अब हम बनाना शुरू करेंगे। साबूदाना हमारे फूल करके तैयार हैं बनाने के लिए। देखो बिल्कुल चिपक भी नहीं रहे हैं, अच्छे से फूल गया है साबूदाना। 1 कप साबूदाना में हमने 1/2 कप पानी डाला था। इसे अच्छे से मिला देंगे पहले। हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू, बादाम, नारियल। एक रखेंगे पैन, पैन में डालेंगे 1 चम्मच घी। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा उसमें काजू, बादाम, नारियल को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इससे जो हम रेसिपी बनाएंगे बहुत टेस्टी बनेगी। फ्राई करके निकाल लेंगे एक प्लेट में। उसके बाद जो हमने साबूदाना भिगो करके रखे थे उन्हें भी हम उसी पैन में उतने ही घी में उन्हें भी फ्राई करेंगे। ज़्यादा घी नहीं डालेंगे ऊपर से। गैस को बिल्कुल स्लो करके हम फ्राई करेंगे कम से कम 5 मिनट तक। हमने लिया है 1 लीटर दूध। दूध को हम कढ़ाई में डालेंगे और इसे गाढ़ा होने तक उबालेंगे। ये फुल क्रीम दूध है, इसकी मलाई भी हमने नहीं निकाली है। दूध को हम बीच बीच में चलाते जाएंगे और इसे अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जब दूध हमारा आधे हो जाएगा आधा, तब इसमें डाल देंगे साबूदाना जो हमने घी में फ्राई किए थे। अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे तो आपकी खीर ऐसी ही बनेगी, बिल्कुल ये चिपकेगी नहीं, एक एक मोती के दाना की तरह चमकेगी। अब इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे, जब तक अच्छे से साबूदाना हमारा पक नहीं जाएगा। पानी हमने बिल्कुल नहीं अभी डाला है, 1 चम्मच तक पानी से हमें बिल्कुल नहीं ऐसे बनाना है। अगर ये खीर आपकी ठंडी भी हो जाएगी तो भी ऐसी ही रहेगी। हमने 2 इलायची ली है, मैश करके डाल देंगे। 1/2 कप चीनी लिए हमने, 1 कप साबूदाना में 1/2 कप चीनी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो इसमें 1 कप चीनी डाल सकते हैं। और ड्राई फ्रूट डाल देंगे जो हमने घी में फ्राई करके रखे थे। यह रेसिपी बहुत इजी है और बनाना बहुत सरल है, बहुत जल्दी बन जाती है। बनाने में केवल 10 मिनट लगेंगे आपको। कितनी मलाईदार क्रीमी हमारी खीर बनकर तैयार है। ऐसी खीर आप व्रत के लिए या कन्या भोग के लिए ज़रूर बनाइए। 1 लीटर दूध से आज हमने खीर बनाई है। देखो कितनी अच्छी हमारी खीर बनी है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब इसे आप ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दें, पिस्ता, बादाम, नारियल जो भी आपके पास हो। हमारे पास नारियल है, उसी से हम कर रहे हैं।
कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ ली है, उससे भी हम गार्निश कर देंगे। हमारी खीर बनकर तैयार है। इसे आप ठंडा या गर्म चाहे जैसे परोसिए। ये खीर चिपकेगी नहीं, ऐसे ही रहेगी, एक एक मोती की तरह दाना इसका चमकेगा। और क्रीमी मलाईदार खीर बनकर तैयार है। एक बार तो आप भी जरूर ट्राई करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।